नमस्कार दोस्तों, क्या आईएमए नंबर सच में चेंज हो जाता है? आज इस वीडियो में जानेंगे, एक्सप्लोर करूंगा अच्छे तरीके से। मैं आईएमए नंबर के बारे में काफी कमेंट आ रही है कि भाई मैंने फोन लिया और आईएमए नंबर मैंने चेंज करा लिया, क्योंकि ये बात मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ समझ आई नहीं, मगर आज आपको मैं दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मेरी दुकान से थोड़ी दूर एक दुकानदार है, उसके पास कस्टमर आया एक दिन फोन लेकर कि भैया इसमें आईएमए नंबर चेंज कर दो। अब वो कस्टमर ऐसा था, अननोन बंदा था, मतलब फोन के बारे में टेक की नॉलेज नहीं रखता था। उसने कहा भैया आईएमए नंबर चेंज कर दो इसका। दुकानदार ने पैसे के लालच में आके 2000 रुपए लिए उससे, उसको कहा आईएमए नंबर चेंज हो जाएगा, शाम को आ जाइयो। उसको उसका फोन रीसेट मार के उसके हाथ में दे दिया। उसने इतना बोला आईएमए नंबर चेंज कर दो, बाकी चेक करना भी नहीं आता था। दुकानदार ने ऐसे उसे फुद्दू बना दिया, 2000 रुपए उससे ले लिए। उसके बाद उसने अपनी सिम वगैरह फोन में डाली, एक दो दिन में दुकान पे उसके लफड़ा हो गया। पुलिस वाले आगे साथ में उसको लेके उसने बताया कि भाई 2000 रुपए इसने लिए हैं और इसने मुझे आईएमए नंबर चेंज करके दिया था। तो इसका मतलब ये बनता है कि उसने अनलॉक करके दिया था फोन। मतलब कस्टमर तो फंसा ही फंसा, दुकानदार भी फंसा साथ में। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, कुछ दुकानदार आपको सलाह देंगे मदरबोर्ड चेंज करने की, कौन से फोन के लिए। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपने चोर बाजार वगैरह से कहीं से फोन खरीद लिया। भाई फोन बिकते हैं यार, हर किसी को नया फोन खरीदना होता है, नहीं पैसे होते उसके पास, 1000-1500 में कहीं से फोन खरीद लेता है। अब हम हिंदुस्तानी लोग हैं यार, सीधे साधे लोग हैं, हमें कोई भी देता है ना। कोई पढ़ा लिखा बंदा दो बातें बनाएगा आपके सामने कि ये ले लो इसमें 50 मेगापिक्सल है, मैंने अभी लिया था यार, मजबूरी आ गई, घर का किराया देना है या फीस भरनी है या बच्चों का कुछ लाना है, तो कुछ ना कुछ बहाना मार के बंदे बेच देते हैं। और हम सीधे साधे लोग हम फंस जाते हैं इनकी बातों में आके और 1000-1500 रुपये में फ़ोन खरीद लेते हैं। उसके बाद उसमें पासवर्ड लगा होता था, फिर हम जब पासवर्ड पूछते हैं, यार पासवर्ड तो मैं भी भूल गया, एक काम करे तो कहीं से भी खुलवा लियो यार, 100-200 रुपये कम कर ले इसमें, 1500 रुपये में 100-200 रुपये दे दियो उसको, लोग खोलने वाला कोई भी खोल देगा। अब जो सीधा साधा बंदा होता है वो खरीद लेता है फ़ोन, खरीद के वो जब हमारे पास दुकान पर आता है तो भाई देखो मैं अपनी दुकान की जो है पॉलिसी आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको दिखा भी रखी, मगर अब भी बता देता हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई फ़ोन लेके आता है ना कि भैया लॉक खोल दो इसका, तो भाई मैं लॉक नहीं खोलता उसका। मैं सबसे पहले मेरे जबान से एक ही बात निकलती है कि भाई इसका बिल दे दो। बिल उसके पास होता नहीं। अगर 10 बंदे आ रहे हैं तो उसमें से 8 बंदों के पास है ना बिल नहीं होता भाई, 2 बंदों के पास ही मिलता है बिल। बिल लेने के बाद भी मैं उसकी आईडी लेता हूँ, उसका फ़ोटो खींचता हूँ लाइव उसका, ठीक है। तो कुछ तरीके होते हैं जो हमें दुकानदारों को करने पड़ते हैं। देखिए इससे क्या होगा, हम भी एक मदद करेंगे अपने डिपार्टमेंट की, अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, पुलिस की, तो हमें भी तो हेल्प करनी है ना किसी तरीके से, कि उनके साथ भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। अगर हम भी गलत काम करने लगे तो उनकी टेंशन और बढ़ेगी। देखिए हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है ना क्राइम को कम करने में, अगर हमने एक काम सीखा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी क्राइम को कम करने में उनकी मदद करें, हेल्प करें। तो आपको आज मैं एक चीज़ है ना क्लियर लिख के देता हूँ भाई। मैं देखो आपने सुना होगा ऐसा कि लिखने की ताकत ज़्यादा होती है, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये रहा फ़ोटो खींच लेना इसका, आईएमए नंबर है ना चेंज नहीं होते, ये मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आईएमए नंबर चेंज नहीं होते हैं भाई बिल्कुल भी, ठीक है। आपको कोई भी बंदा कैसे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, भाई आईएमए नंबर इसका मेरे फ़ोन का चेंज कर दो। देखो कोई भी बंदा है ना, अगर आपको ये कह के फ़ोन बेके ना कि भाई तो है ना आईएमए नंबर चेंज करवा लियो इस फ़ोन का, बाकी फ़ोन ठीक है, तो भाई बिल्कुल भी किसी के झांसे में मत आया करो। आपके साथ नहीं बीती होगी, इन बंदों के साथ बीती है ना ऐसी कहानियाँ, वो सारा सारा दिन भाई थाने में बैठे रहते हैं, फ़ोन खरीद लिया उसके एक तो पैसे भी गए, ऊपर से वो थाने की सरदर्दी। और कोई उल्लू का पट्टा जो कहता हो ना उसकी बात पे यकीन मत करना, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, आईएमए नंबर चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर आपकी थोड़ी नॉलेज गेन करना चाहूँगा, आज से 15 साल पहले जब चाइनीज़ फ़ोन चला करते थे जिनमें दो दो तीन तीन आईएमए नंबर हुआ करते, तीन तीन सिम वाले फ़ोन भी आते थे ना कीपैड वाले, उनमें आईएमए नंबर चेंज हो जाता था। उनमें हमने खुद किए थे क्योंकि रीराइटेबल का ऑप्शन दिया होता था सॉफ्टवेयर में चाइनीज़ फ़ोनों के, क्योंकि उस वक्त हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाई नहीं थी, वो 2G फ़ोन हुआ करते थे, उनमें आईएमए नंबर आराम से चेंज हो जाता था। वो कैसे होता था, वो करने की हमारी मजबूरी होती थी। कभी कभी क्या होता था, बंदा फ़ोन रीसेट मार देता था तो उसके बाद आईएमए नंबर उड़ जाता था। जो पुराने बंदे होंगे मोबाइल रिपेयर वाले वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, और उस वक्त फिर हमें आईएमए नंबर रीराइट करना पड़ता था उसी फ़ोन पे, और वो सेम वाला आईएमए नंबर चढ़ाते थे, और सेम वाले से भी अगर एरर आता था ना हम तो दूसरा आईएमए नंबर दूसरे चालू फ़ोन का उसमें चढ़ जाता था। ये आम बात थी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस वक्त ऐसी कोई गाइडलाइंस भी नहीं थी ना हमारे पास, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी, ठीक है, तो उस वक्त चलता था। मगर जब से 4G फ़ोन आ गए ना तो फिर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई कि भाई आईएमए नंबर अब से कोई भी बंदा चेंज नहीं करेगा। अब 4G फ़ोन आने के बाद अगर कोई बंदा आपको कहे ना, कसम खा के भी कहे भाई मैं आईएमए नंबर चेंज कर दूँ, भाई गधा है वो, और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मत खरीदना उस फ़ोन को, किसी भी तरह के ऐसे फ़ोन को किसी से भी मत खरीदना। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना आपको,
जो कस्टमर दुकान पे लेके गया था उसने किसी और से खरीदा था फोन और उसने उसको फुद्दू बनाया कि तू है ना इसका आईएमई नंबर चेंज करा ले। भाई वो बंदा आया दुकान पे, अब दुकानदार देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत सारे लोग आज के टाइम पे है ना मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में परसेंटेज तो क्या गिनवाऊं यार, बहुत कम परसेंटेज रह गई है जो सही तरीके से काम करते हैं, जिन्हें काम करना आता है जो सही तरीके से काम करते हैं। वरना ज्यादातर लोग तो ऐसे हो चुके हैं कि भाई वो पैसे के सामने नहीं देखते कुछ भी, कि जो भी आ रहा है उसे आने दो, लपेट लो बस। उस दुकानदार ने क्या गलती करी थी कि 2000 रुपए दे दे, उसने सोचा फुद्दू सा कस्टमर है ये क्या कर लेगा, मॉडल नंबर खुद नहीं पता फोन का, ये आईएमई नंबर के बारे में क्या जानता है, बस इसको किसी ने बोला होगा आईएमई नंबर चेंज कर दे तो रीसेट मार के दे देता हूँ अपने आप भुगतेगा। और भाई उसने रीसेट मार के दे दिया, सिम डाली, सिम जब आप सिम किसी भी फोन में डालते हो ना तो आपने जो सिम परचेज करी थी ना वो आपके नंबर पे थी मेरे भाई। देखो आपको सिम का फंडा बताऊं, मैं ना बस आपको ना आज की वीडियो में है ना कुछ स्पेशल बताना चाहता हूं कि आप थानों के चक्कर ना मारो। भाई मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं बाद में रोते हैं वो कि भाई मुझे पहले पता चल जाता ना, अगर आप पहले बता देते तो ये गलती ना करता कभी। अब मान लो आपने कोई फोन किसी से खरीद लिया, ये फोन है आपने फोन खरीद लिया, अब इस फ़ोन का आपने ना तो कोई उससे प्रूफ लिया, किसी बंदे से आपने उसकी मजबूरी सुनी कि मुझे किराया देना है या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, वो बंदा चुरा के लाया था, आपको क्या पता। अब आपने तो उसकी मजबूरी सुन के कि यार सस्ता मिल रहा है 1500 रुपये में दे रहा ले लेता हूँ, आपने ले लिया। अब उसने कहा कि भाई इसका आई एम आई नंबर चेंज करवा लियो या फिर इसका पासवर्ड अपने आप खुलवा लियो, मुझे उन्हें क्या लगा दिया मुझे पता नहीं है। अब आप गए किसी दुकान पर, आपने वहाँ से अनलॉक करा लिया उसको, किसी दुकानदार ने पैसों के लालच में आके 1000-1500 रुपये आपसे ले लिए, फिर वो फ़ोन आपको 2500-3000 का पड़ गया, हो सकता है वो फ़ोन महंगा हो 15 से 20 हज़ार रुपये तक, आप तो खुश हो जाओगे कि यार कोई नहीं 3000 का पड़ गया फ़ोन, कोई टेंशन नहीं 1500 में उससे लिया था 1500 का फोन, लॉक खुलवा लिया हो गया, अब ये फ़ोन एकदम क्लियर है, बिल्कुल डाटा उड़ा हुआ है, सब कुछ नहीं है इसके अंदर। मगर भाई साहब उसके अंदर है ना, इस फ़ोन के अंदर एक IMEI नंबर होता है, ठीक है, एक IMEI नंबर होता है इसके अंदर, इस फ़ोन के अंदर उस IMEI नंबर से ट्रैक करते हैं। अब इस IMEI नंबर पर जो भी आप सिम डालोगे ना, सिम तो आप अपनी डालोगे है ना, सिम थोड़ी चोरी के लिए कहीं से लेके आओगे, अब सिम आपने जो डाली है ना ये आपके एड्रेस पे ली गई है सिम, आपने जब सिम खरीदी होगी ना तो अपने एड्रेस से खरीदी थी ना कि आपने किसी और के एड्रेस से, है ना। अब आप अपनी सिम इस फ़ोन के अंदर जब डालोगे ना तो इस IMEI नंबर से ट्रैक हो जाएगा आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस से सिम ली थी ना आपने वो पूरा एड्रेस शो कर जाएगा पुलिस वालों के पास। आपको बता देता हूँ एक अंदर की बात, सब्सक्राइब कर देना अगर इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो, ये बातें कोई बताएगा नहीं आपको और सारी बातें। CDR रूम होता है एक, ठीक है जी, इस CDR रूम में क्या होता है, ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग मोबाइल फ़ोन की, वो इनका प्रोसीजर होता है कि 6 महीने में 3 बार करें या 6 बार करें, तो इस तरीके का इनका एक प्रोसीजर होता है। जब इनके ट्रैक पे अगर फ़ोन चालू मिल गया उस वक्त, क्योंकि एक फ़ोन थोड़ी होता भाई, इनके सरदर्दी एक फ़ोन की थोड़ी होती है पुलिस वालों की, पता नहीं यार कितनी सरदर्दी रहती है इनके पास, 1000 फ़ोन डेली के खुलते होंगे, खुलते होंगे मतलब 100-150 एक थाने में डेली आती होंगी, ऐसी मेरा मानना है, ऐसी कंप्लेंट डेली आती होंगी, तो भाई ये सिर्फ फ़ोन ढूंढने के लिए थोड़ी है, बाकी और दुनिया के झगड़े कौन निपटाएगा, तो वो भी इनके सर पर है, तो इनको बेचारों को इतनी परेशानी होती है इन चीज़ों के बारे में, तो ये नंबर लगा के रखते हैं कितने फ़ोनों को कब कब ट्रैक करना है। अगर इनको खोए हुए फ़ोन जिसकी कंप्लेंट हो रखी है उसमें कोई सिम लगी मिल गई तो उनके सिस्टम पे शो हो जाएगा कि इस IMEI नंबर पे ये वाली सिम चालू है, इस सिम का एड्रेस आ जाएगा। आप मान लो आपने अपनी सिम डाल दी, अब आपका एड्रेस शो हो जाएगा, अब कुछ भी हो आपका एड्रेस, ठीक है जी, वहाँ पे मेहमान आ जाएंगे, वहाँ पे फिर यहाँ से नोता चला जाएगा कि भाई इनके यहाँ जाना है आपको मेहमानदारी में, ये खातिरदारी करेंगे, आप मेहमान आ रहे हैं अब आपके घर पे आ जाएंगे मेहमान, यहाँ पे फिर आपको क्या करते हो वो आपके साथ, वो आपको पता है, जुलूस निकाल के लेके जाएंगे भाई साहब, ठीक है जी, गली में से जुलूस निकल के, हाथों में हथकड़ी होगी और जुलूस निकाल के आपका ले जाएंगे, और वहीं निपटारा हो तो वहाँ भी वो आप ज़्यादा समझदार हो, फिल्में आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है, ठीक है जी, आप यहाँ पे फंसते नजर आओगे। आप ये समझ गए होंगे कि किसी से भी है ना बंदे से फ़ोन मत खरीदना, मैं ऐसे ऐसे केस सुन के ना पक चुका हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये चीज़ें सुनता हूँ बंदे के साथ, और फिर मैं कहता हूँ कि भाई तू तो मेरा पुराना कस्टमर था, एक बार मुझसे मुँह फोड़ लेता, मुझसे पूछ लेता भाई बातें तो कि ये फ़ोन चलाऊँ ना चलाऊँ। एक ऑटो वाले की मैं थोड़े उसके तर्ज पर बातें कर रहा हूँ, एक ऑटो वाले ने एक गलती कर दी कुछ दिन पहले, ऑटो में अक्सर लोग बाग अपना फ़ोन भूल जाते हैं, या ओला उबेर के जो गाड़ी होती है उसके भी ड्राइवर काफ़ी आते हैं मेरे पास, दो तरह के ऑटो ड्राइवर होते हैं, मैं आपको है ना ऐसे समझाता हूँ कि जब ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आप थाने में बैठे रहो ना भाई, दिल्ली के थाने ऐसे होते हैं, मैं आपको रियल बताऊँ, जब आप कभी थाने में जाओगे ना तो यही बताते हैं जो बंदे फंस के जाते हैं, लोगों भाई भले ही मारनी पड़ी मगर मुँह तो निकल रहा था, ऐसी ऐसी बातें भाई, सही बात है, मजाक नहीं है वो। देखो
एक तो होते हैं बेईमान टाइप के लोग जो फ़ोन को रख लेंगे, बताएंगे नहीं कस्टमर को कि भाई तेरा फ़ोन छूट गया। दूसरे होते हैं भाई साहब बेहद ईमानदार लोग जिनको बाद में पता चलता है। एक हो गया ईमानदार, ये हो गया बेईमान वाला, है ना। तो ये आपको बताएंगे नहीं, और ये वाला बंदा जो ईमानदार होगा ये बाद में इसको पता चलेगा, क्योंकि या तो ये उसी टाइम बता देगा अगर इसको दिख जाएगा तो, मगर कई बार होता है इसको बाद में पता चलता है ईमानदार वाले को कि यार पीछे सीट पे किसी का फ़ोन रह गया। अब कस्टमर तो मिलेगा नहीं, वो जा चुका होता है, ये भी आगे निकल चुके होते हैं, तो कस्टमर का नंबर वंबर कुछ होता नहीं। तो इसलिए इसमें मैं आपको एक और यहाँ पर बात ऐड कर देता हूँ, जिस भी ऑटो में आप बैठो ना तो आप देखते हो आजकल ऑटो के हैंडल पर ही है ना वो फ़ोन लगा ही रहता है अपना। तो अगर आपकी लंबी जर्नी है, मान लो 7-8 किलोमीटर तक की कोई जर्नी है, तो आप फ़ोन नंबर ले लो एक बार, उससे फ़ायदा रहता है उसका बंदे का, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर ले लो एक बार और किसी दोस्त को सेंड कर दो वो फ़ोन नंबर, या फिर ऑटो का नंबर ले लो वो सेंड कर सकते हो, ये भी ठीक है। और जो कई बार आता है मेरे पास बेईमान भी आते हैं, मैं बताता हूँ इन दोनों में से होता क्या। मेरे पास बेईमान भी आते हैं, वो कहते हैं भाई लॉक खोल दियो। मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई बिल दे दे इसका। कहता भाई बिल तो नहीं है यार, वैसे खोल दो भाई कुछ ले दे के। मगर भाई देख, या तो तू चला जा, मैं मेरे फिर उनके लिए ना मेरे पास एक ही जवाब होता है, बस यही जवाब होता है। तो वो चले जाते हैं, और जो ईमानदार होता है ना वो क्या करे, मैं उसको सीधा ये बोलता हूँ कि भाई इसमें सिम डली रहन दियो, स्विच ऑफ मत करियो इसको, फ़ोन आएगा अपने आप, बता दियो भाई मैं फ़िलहाल यहाँ ड्यूटी पे हूँ, इधर आ रखा हूँ, वहाँ जब आऊँगा तो उस जगह से अपना फ़ोन ले लियो। वो बंदा आपको कुछ रिवार्ड भी दे सकता है ना। और होता भी ऐसा, मैंने बहुत सारे ऑटो का अपने सामने करवाया भाई साहब ऐसा सीन कि फ़ोन में सिम निकाल दी थी उसने डर के मारे, मैंने कहा सिम कहाँ है, कह रहा सिम तो जेब में आएगी, मगर सिम डाली उसमें भाई, कह रहा भाई डर गया था उस टाइम पे। देखिए हम फरिश्ते तो हैं नहीं भाई, सारे बंदे इंसान हैं, हमारे अंदर भी एक शैतान होता है, एक गंदी चीज़, एक मतलब क्या बताऊँ मैं, हमारे अंदर होता है। फर्स्ट टाइम है ना वो बेईमाना हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा आता है पैसे के चक्कर में, क्या यार वो ब्यूटो फ़ोन मिल गया, फ़ौरन सिम निकाली और फेंक दी। मगर उस बंदे की कहानी ये थी कि एक ऑटो वाले ने, जिसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, फेंकने वाले भी बहुत से, मगर ये इसकी जो कहानी बता रहा हूँ, इसके जेब में सिम थी, मैंने कहा सिम डाल दे इसमें, इसने सिम डाल दी। उसके बाद जैसे ही सिम डाली उसने, फ़ोन आ गया किसी का, बोला भैया जी आपका फ़ोन यहाँ ऑटो में छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑटो वाला हूँ और मैं इस जगह हूँ, अभी मैं ऑटो चला रहा हूँ, आप कहाँ पे इस वक्त। उसने उससे एड्रेस वगैरह पूछ लिया, भाई मैं वहाँ आ जाऊँ, टेंशन मत लो। तो भाई इस बंदे ने इसको 1000 रुपये रिवार्ड के भी दिए इस ऑटो वाले को, तो क्योंकि इसने ईमानदारी से काम कर दिया, 1000 रुपये बन गए इसके। और ये बंदा जो है ना, ये अगर बेईमानी से भी अगर इस फ़ोन को बेच देगा ना, चोरी किए हुए फ़ोन को, और ये इसने अगर 1000 का भी बेच दिया, तो ये 1000 रुपये तो इसको भी मिले, 1000 रुपये इसको भी मिले, मगर इसके ईमानदारी के मिले, ये 1000 रुपये इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इसके लिए जो जिसने 1000 रुपये में फ़ोन बेच दिया ये वाला, तो भाई इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। हो सकता है उसने ऑटो का नंबर ले लिया हो, उसके बाद आपका पीछा करते आपके कंप्लेंट करा दे RTO ऑफिस में, और उसके बाद आप पकड़े जाओ और फिर आपसे पूछा जाए भाई फ़ोन कहाँ है, भाई मैंने तो 1000 में बेच दिया। तो भाई साहब ये जो 1000 रुपये है ना, ये बहुत लंबा खर्चा बैठने वाला आपका। तो इसलिए जो ऑटो वाले भाई कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ को समझें कि भाई बहुत लंबे जाओगे, ऑटो तक बिक जाएगा, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं भाई साहब कोर्ट कचहरी में, ठीक है। कोर्ट कचहरी में केस ऐसे ही नहीं सोल्व हो जाते कि गए और वहाँ से उन्होंने जज ने उसी टाइम कह दिया कि ठीक है जाओ बरी हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं कि आओ 2 महीने बाद फिर पेशी, 2 महीने बाद फिर पेशी, फिर 1 महीने बाद पेशी। भाई ये जो फिल्मों में आप देखते हो ना सनी देओल वाली तारीख पे तारीख, ये ऐसे ही रियल में होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये 2 एग्जांपल और दे दिए, मगर एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, IMEI नंबर चेंज करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी वालों के पास होती है। पहले ये अथॉरिटी कंपनी वाले, जो चाइनीज़ कंपनियाँ कहाँ होती है, चाइनीज़ फ़ोन आते थे पहले, आपको पता ही है 15 साल पहले चाइनीज़ फ़ोन आते थे, ऐसे ही बिकते थे धड़ल्ले से, तो उनमें कोई कंपनियाँ तो होती नहीं, कुछ भी नाम लिख के मंगवा लो यहीं पर। जैसे कि ये इन्होंने लावा, माइक्रोमैक्स, क्या है आपको क्या लगता है इंडिया में ये फ़ोन पैदा हुए हैं, लावा, माइक्रोमैक्स और ये इंडिया में पैदा हुए हैं? भाई ये फ़ोन सारे चाइनीज़ होते हैं, इनमें ब्रांडिंग करके अपने नाम की यहाँ मंगा लिया जाता है। आप ऑर्डर दे दो किसी को 3 लाख रुपए का मिनिमम ऑर्डर, भाई शिप के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा पूरा सारा ऑर्डर, किस नाम से आपको मोबाइल बनवाना है, चाइनीज़ की दुनिया भर की साइटें हैं, यही करते हैं बड़े बड़े लोग, ब्रांडिंग करवा लेंगे यहाँ की अपने नाम से। उसके बाद फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से, चाइना से, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हम कोई फ़ोन बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए इस चीज़ की मैं अच्छी खासी नॉलेज भी रखता हूँ, देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज भी रखता हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर एक फ़ोन बनाने में हमारा खर्चा 100 रुपये आ रहा है ना इंडिया के अंदर, तो उस 100 रुपये में है ना चाइना वाले
हमें 10 फोन बना कर दे देंगे, मतलब 10 फोन बना कर दे देंगे भाई साहब, आपके घर तक पहुंचा देंगे 10 फोन बनाकर इतने 100 रुपए में। ठीक है, ये समझ में आई बात? नहीं आई दोबारा बता दूं, हमारा खर्चा आ रहा है ना 100 रुपए एक फोन बनाने में, कि एक फोन तैयार होगा, आप ऑर्डर दो चाइना में 100 रुपए में आपको 10 फोन बना के दे देंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 100 रुपए का, ठीक है, ये 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 10000 भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर 100 रुपये में एक फ़ोन हम तैयार कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत करके यहाँ इंडिया में रॉ मटेरियल वगैरह निकाल के, हालांकि रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया में निकलता ही नहीं भाई, बहुत कम रेयर केस में निकलता है, महंगा भी बहुत पड़ता है। ठीक है, अब चाइना वालों के पास वो भर भर के बेतुका उनके पास, तो वो तो भाई बना के दे भी देंगे आपको 100 रुपये में 10 बना के दे देंगे, तो कोई यहीं से ना मंगाएगा कि सीधा यहाँ से सूखा सूखा माल यहाँ से मंगाना है, आगे जाके सेल कर देना है। ये कहानी चलती है भाई मार्केट की। तो मैं किसी दिन आपको है ना मार्केटिंग के बारे में भी समझाऊंगा, फिलहाल आपको इतनी बात समझ लेने की ज़रूरत है कि आईएमए नंबर किसी भी फ़ोन का चेंज नहीं होता। आपको कोई भी बंदा फ़ोन बेचे ये कह के कि आईएमए नंबर चेंज करा लियो या मदरबोर्ड चेंज करा लियो, मदरबोर्ड चेंज करने से दूसरे मदरबोर्ड का आईएमए नंबर शो करेगा। यहाँ पे है ना एक दूसरी बात और आती है मदरबोर्ड की, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मदरबोर्ड मान लीजिए आपने, देखिए कई बार है ना दुकान पे हमारे पास भी कस्टमर आते हैं ऐसे, कहते भाई मदरबोर्ड चाहिए मेरे को इस फ़ोन का, मिल जाएगा? भाई सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ, कोई भी कंपनी चाहे ओप्पो वीवो सैमसंग वन प्लस कोई सा भी हो, ये कभी भी अपने फ़ोन के मदरबोर्ड सेल नहीं करते दुकानों पे। दुकान थोड़ी लगी है कि हम जाके मदरबोर्ड उठा के ले आएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे दुकान वाले ये कहानी करते हैं, बहुत सारे दुकान वाले आपको ये कह के मैनिपुलेट करेंगे कि भाई इसमें मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा, मदरबोर्ड गारंटी मेरी है। भाई वो मदरबोर्ड कहाँ से लेके आ रहा है, उस मदरबोर्ड में वो रिफर्बिश किया हुआ मदरबोर्ड है या फिर कहीं चोरी के फ़ोन का मदरबोर्ड है? देखिए चोरी के फ़ोन होते हैं ना, आपको बताऊँ एक चीज़ और आपको जानने को मिलेगी, चोरी के फ़ोन जो होते हैं ना, जैसे किसी का फ़ोन चोरी हो गया वो बिक जाता है चोर बाजार में। अब चोर बाजार से जो बंदा कोई खरीदता है ना, कोई दुकानदार खरीद लेगा कोई, तो वो उसका मदरबोर्ड क्यों होता है, वो उस मदरबोर्ड को अपनी दुकान पे रख लेगा कि कोई कस्टमर आएगा ना उसको लगा दूंगा फ्लैश करके, फ्लैश समझते हो आप, सॉफ्टवेयर मतलब अपडेट करके, मतलब उसको डिलीट करके रीसेट मार के उस मदरबोर्ड को, उसके बाद उसे सेल कर दूंगा। बहुत सारे बंदे करते भी हैं ऐसा काम, दे देते हैं। जो बंदा लेगा उस मदरबोर्ड को अपने फ़ोन में डलवाएगा, उसके साथ वही कहानी हो जानी है जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि सिम तो आप अपनी डालोगे, लंबे जाओगे भाई फिर, है ना। और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा भाई, कुछ खास जानकारी आज के वीडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थानों के चक्कर मारो। कभी भी किसी भी दुकान पे अगर मदरबोर्ड चेंज करा रहे हो ना, मदरबोर्ड अगर आपने चेंज कराया तो उसकी आईडी ज़रूर ले लेना दुकानदार की, ठीक है। बिल के साथ लिखवा लेना कि भाई बिल पे लिख के दे दे इसका आईएमए नंबर और अपने साइन कर दे, और ये कहानी लिख दे कि मैं ये मदरबोर्ड आज इस तारीख को सेल कर रहा हूँ इस बंदे को, क्योंकि मदरबोर्ड कंपनी ने नहीं दिया, उस बंदे ने दिया आपको। अब वो कहाँ से लेके आया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होगी जहाँ से वो लेके आया, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, कभी भी किसी से मदरबोर्ड डलवाओ किसी दुकान पे तो उससे उसका आईडी प्रूफ जरूर ले लेना, क्योंकि मदरबोर्ड ही मेन चीज़ होती है एक मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। हमें अगर मदरबोर्ड मिलने लगे, अगर कंपनी वाले देने लगे, तो भाई फिर हम तो मोबाइल ही ना बना देंगे अपने नाम से, खुद सोच सकते हैं ना आप भी। तो ये थी आज की जानकारी, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मुझे लगा कि आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज देनी चाहिए इसके बारे में, वरना बंदे जब नॉलेज नहीं होती ना तभी तो फंसते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।